नमस्कार, मैं पुलिस पटेल हूँ, मालीवाड़ा, हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है मालीवाड़ा गांव। तो यहाँ पर जो कोरोना की जो सेकंड लाट जो आई थी, तो इसमें मालीवाड़े में बहुत सारे पेशेंट निकले, जैसे कि पिछले साल में कम निकले थे, 7 ही निकले थे और 1 ही डेथ हुई थी। मगर ये दूसरी लाट में ये 4 महीने में यहाँ पर 39 पेशेंट निकले हैं और 4 डेथ हुए हैं, बोले तो टोटल में लगकर 43 पेशेंट होते हैं। तो फिर भी यहाँ के जो बढ़ रहा था, हमने तो यहाँ के जो प्रशासन है, ग्राम पंचायत, यहाँ का जो PSC है, दौलताबाद PSC, उन्होंने भी यहाँ आकर कैंप लगाए। कैंप के बारे में उन्होंने जो लसीकरण था फर्स्ट डोज का, वो बहुत सारा किया हमने, और सेकंड डोज के बारे में भी हमने अभी उनको जाके बोला है, डॉक्टर साहब को, कि यहाँ कैंप लगाए। और बीच बीच में हमने बहुत सारे ये जो एंटीजन टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट के कम से कम 4 से 5 कैंप लगाए। जो भी पेशेंट निकलता था, हम एंटीजन कैंप लगाते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग जो स्प्रेड होना था वो हम रोक सके। मी सुशीला प्रमोद साठे, PSC दौलताबाद गाँव मालेवाड़ा तालुका जिला औरंगाबाद, आणि मी आशा स्वयंसेविका म्हणून गावात काम करते। घरोघर जाके सर्वे करे, लोगों की मतलब भीती निकाली हमने कि कुछ नहीं होता, तुम सिर्फ हाथ वो बाहर गए तो मास्क लगाना, हाथ धोना, सैनिटाइजर करना, बहुत सारे बताए हमने, लसीकरण करना। हमारे मालीवाड़ा गांव में कोरोना की दूसरी वेव जो आई, वो थोड़ी सी ज़्यादा, उसने ज़्यादा कहर मचाया, और लगभग अब तक 43 पेशेंट पॉजिटिव निकले, उसमें से 4 पेशेंट जो है वो उनकी डेथ हो गई है, और 36 रिकवर हुए और 3 पेशेंट जो है अभी एक्टिव है। तो ग्राम पंचायत मालीवाड़ा, सरपंच, उप सरपंच, इन्होंने गांव में जन जागृति की कोरोना के संबंध में, और लोगों को जानकारी दी कि आप मास्क पहने रखिए, और इसके साथ साथ ही हाथ बार बार साबुन से धोना, इसके बारे में उन्होंने बताया। और जो कि बहुत सी दुकानें जो है कि उनको भी सतर्क कर दिया कि भाई आप अपनी दुकानें बंद रखिए, क्योंकि आपकी दुकानें भी कोरोना फैलाने का जरिया बन सकती है। उस संबंध में उनको गाइडलाइंस की, और अगर आपको अपनी दुकानें 7 से 11 के अंदर ही खुली रखनी है, और आप सभी को RT-PCR टेस्ट कर लेनी चाहिए। और उसके बारे में भी हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच है, हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक उप सरपंच है, साथ साथ ही हमारे लिपिक है, उन्होंने भी बहुत जन जागृति की। ये ग्राम पंचायत माड़ीवाड़ा है, जिला औरंगाबाद। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर पहले जो वेव थी कोरोना की, उसमें सिर्फ 3 पेशेंट आए थे, और अब ये जो वेव आई है सेकंड, जिसे बहुत ख़तरनाक कहा जा रहा है, तो इसमें 37 पेशेंट यहाँ पर निकले हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पे ग्राम अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इतने पेशेंट बढ़ने की वजह क्या है। सर, अपना नाम और अपना पोस्ट बताइए। मेरा नाम है GV हरदे, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत माड़ीवाड़ा। सर, क्या वजह है? पहले वेव में जो है तो सिर्फ 3 पेशेंट थे यहाँ पे, और अब 37 पेशेंट आए हैं। दुनिया में जब ये सेकंड वेव आई, तब ये सेकंड वेव का जो स्ट्रेन था चारों तरफ बहुत ज़्यादा था, और माड़ीवाड़ा ये शहरी इलाके के बहुत नज़दीक करीबी गांव है, या के मेजर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनियां में काम करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, तो सिटी में जाना आना, भाजी पत्ते का व्यवसाय करते हैं, तो बाहर जाना, उसका संक्रमण की वजह से ये गांव में हमारी वेव बढ़ी है। तो अपन ने क्या व्यवस्था की है वेव को कंट्रोल करने के लिए? वेव को कंट्रोल करने के लिए हमने पूरे हमारे ग्राम पंचायत की बॉडी, उसकी मदद, हमारे जो गांव के पुलिस पाटिल है, आशा कार्यकर्ती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, मेडिकल स्टाफ है, इनकी सब मदद लेके गांव में हमने चारों तरफ जन जागृति की।
मास्क लगाना, मास्क का दंड देना, गाँव में हाइपोक्लोराइड की फवारनी करना, ये गांव में साफ सफाई करना और शासन के जो भी कोविड के रूल है वो रूल को फॉलो करने के लिए वो टाइम में दुकानें बंद रखना और ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग, लोग गैदरिंग ना हो, मतलब कि प्रशासन के तरफ से जो भी आदेश इनको मिले हैं पूरी तरीके से इन्होंने उसका पालन किया है। यहाँ में, यहाँ पर जो गांव है, गांव के लोगों को बताया है कि किस तरीके से कोरोना में आपको रहना है। चलो आगे चलते हैं और यहाँ पे हमारे साथ है माड़ीवाड़े के उप सरपंच। सरपंच का काम होता है कि पूरे गांव को लेकर चले, गांव में क्या तकलीफ़ है, क्या समस्या है, वो समस्या प्रशासन तक पहुँचाना है। 37 पेशेंट निकले हैं और 37 पेशेंट निकलना मतलब माड़ीवाड़े में एक खतरे की घंटी हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल नज़दीक नहीं है, यहाँ से सीधे औरंगाबाद जाना पड़ता है। किस तरीके से इन्होंने प्रशासन से अपने माड़ीवाड़े गांव के लिए जो है तो मांगनी की है और क्या सुविधाएं जनता तक के इन्होंने पहुँचाई है? सर अपना नाम बताइए। मैं कड़ू जनार्दन कीर्तिकर, उप सरपंच माड़ीवाड़ा। सर क्या वजह है सर 37 पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं? और ये जो पेशेंट बढ़े इसका कारण कि ये जो माड़ीवाड़ा है इसके आसपास कम से कम 20 खेड़े वो यहाँ मंडी भरती, वो बाहर से लोग आते, वो वजह से बैंक एक ही है इस इलाके में, उसकी वजह से बहुत सारे लोग माड़ीवाड़े में आके जाते, तो वजह से कहाँ से बाहर से लोग आए उसकी वजह से कोरोना बढ़ गया। फिर भी ग्राम पंचायत मेंबर हमारे सर ग्राम सेवक साहब जैसे जैसे घरों में आदेश आए वैसे हमने फॉलोअप करे, प्रशासन ने, पुलिस वालों ने बहुत सारी मदद करे, दुकाना जो है वो बंद करने को जो रूल हम फॉलोअप करे लोगों ने उसमें सहकार्य करे हमको कि भाई हम जो बोलते थे वो सुनते थे, जो मास्क नहीं लगाते उनको हमने दंड दिए, उसके बाद में उन्होंने बाहर निकलना ही छोड़ दिया बिना वजह। बहुत सारा सपोर्ट गवर्नमेंट की वजह से भी है ना, अभी जो है हमारा गांव ऑन रिकॉर्ड 4,000-4,500 पब्लिकेशन, तो अभी कम से कम 10,000 लोग माड़ीवाड़े में रहते जी। हमने अभी यहाँ पे आम जनता से बात की है, उन्होंने बताया कि पूरे गांव को आपने सैनिटाइज भी किया है। सैनिटाइज करा सर, पूरा गांव गया, फिर भी हमको कर्मचारी कम है ग्राम पंचायत को, फिर भी लोगों ने भी बहुत सहकार्य किया है, क्योंकि हमारे आदमी जो कम है तो युवा बच्चों ने, अभी जो युवा पीढ़ी है वो सहकार्य करके हमने सबको एक कोरोना को लड़ाई में वो अभी हराया है। जो 37 जो पेशेंट थे अभी उसमें खाली 3 ही एक्टिव पेशेंट है, पूरे से भाग के पूरे तरीके से अच्छे हो चुके हैं। नहीं नज़दीक तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, मगर बजाज नगर में कोविड सेंटर है, यहाँ से वहाँ रेफर करते हैं हम, फिर वहाँ से वो हॉस्पिटल बता के कोविड सेंटर में भेज देते। ओके, चलिए आपसे काफ़ी सवाल पूछता हूँ मैं। वैक्सीन का डोज जो दिया जा रहा है कितने परसेंट लोगों को यहाँ पर अभी तक के वैक्सीन दे चुके हैं और कितने की आबादी है इस गांव की? ये गांव की आबादी 4,403, तो उसमें से कम 60% लोगों ने डोज लिए 45 के आगे। ओके, जो भी अभी हमारे यहाँ हमने कैंप लिए थे उसमें एक ही दिन में 231 लोगों के हमने लसीकरण कराया था। फिर हमारे गवर्नमेंट से यही मांगनी रहेंगी कि भाई जो भी डोज हमने माड़ीवाड़े में कैंप लिया था वैसे एक दूसरा डोज भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये दूसरा डोज की जवाबदारी यही करे, यही ले, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 500-600 लोग है जो दूसरे डोज के अभी वेटिंग में लोग बाकी है, उसका बंदोबस्त करके गाँव वालों को सहयोग करेगा। उनके मिसेस यहाँ के सरपंच है तो वो शायद किसी कारण से बाहर गए हुए हैं, तो हम सोचे कि चलो उनके हस्बैंड से ही बात करते हैं। सर हमें आपसे ये जानना है, आपको यहाँ पे बुलाने की वजह ये है कि सरपंच का फ़र्ज अदा हो रहा है कि यहाँ पे पूरी तरीके से हो रहा है ना? 37 पेशेंट निकल चुके हैं सर। वो कैसा माड़ीवाड़ा गाँव औरंगाबाद से 13 किलोमीटर दूरी पे और यहाँ पे 70% लोग एग्रीकल्चर काम करते हैं। ओके, उनका भाजी पत्ता बेचना, उधर से मार्केट में माल लाना, इसलिए वो औरंगाबाद आना जाना रहता है। और माड़ीवाड़े गाँव को कम से कम 25-1 गाँव का अटैच है, क्योंकि यहाँ पे SBI बैंक है, खेड़े पे बैंक नहीं है। लोकरे ग्राम पंचायत, सरपंच, पुलिस पाटिल, आशाताई, आंगनबाड़ी शिक्षिका सब मिला के हमने जन जागृति की और यहाँ पे लसीकरण लिया। दो टाइम में हमने एंटीजन टेस्ट करवाया, दो टाइम फवरनी भी करे। सरकार का कैसा साथ मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्र? साथ तो मिल रहा है, फिर भी ग्राम पंचायत को हमारी तरफ कर्मचारी कम है और उससे मिल सके
तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम आगे चल के और शासन का नियम फॉलो करेंगे और कोरोना मुक्त करने के लिए हम कटिबंध रहेंगे। तो आपका बोलना है कि यहाँ पे कर्मचारी अगर से कुछ भर्ती करते हैं तो काम करने में आसानी हो जाएगी? हाँ, जरूर हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल उप सरपंच साहब से लेते हैं सर, हमें आपसे ये पूछना है कि जैसे अभी सरपंच मैडम के हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पे कर्मचारी कम है, अगर प्रशासन कुछ भर्ती करवाता है यहाँ पे तो काम करने में आसानी हो जाएंगी, क्या लगता है आपको? उनके बात से सहमत है आप? हाँ बिल्कुल, कि लोक संख्या ज़्यादा है, लोक संख्या के हिसाब से हमको कर्मचारी भी कम है, तो इस हिसाब से अगर गवर्नमेंट एक दो कर्मचारी भर्ती कर देती है तो हमको उनका मदद हो जाएंगे। ये जो बातचीत हुई है ये आप तक के पहुंचाना था हमारे को कि किस तरीके से यहाँ पे अधिकारी जो ग्राम पंचायत के है और उप सरपंच है, सरपंच साहब है, ये वजह ये है कि आप सबको ये चीज़ बताना इसलिए है कि इसे कहते हैं एकता, और एकता होने के बाद में जो भी काम करो वो काम कभी फेल नहीं होता। तो हम अभी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर भी देखेंगे, वहाँ की बात भी आपको बताएंगे। हम आप अपने परिवार का और अपनी खुद की जान की फिक्र करिए, बाहर आइए, अपने जो मखसूस जो अपने जो ज़रूरी काम है वो करिए और फौरन घर में जाइए, और घर में जाने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज़र करना ना भूले। मैं असगर अली, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 हिंदी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते आने दूसरे गाँव में कुछ एक और अच्छी अपडेट के साथ।